Hi guys, welcome to this episode of Life Beyond Cricket with me, Mithila Mehta. In this episode, we're going to meet a Shah Rukh Khan fan and one of the most talented bowlers of Team RCB, Iqbal Abdulla. So, off the field, what kind of person are you? I'm very friendly person और बहुत fun loving हूँ और मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे को देख के ऐसा गुस्से में रहे या फिर मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि लोग मेरे को मेरे से मिले तो हंसते रहे या फिर अच्छे से बातें करते रहे। अब फिल्मों में बहुत रुचि रखते हो, I know कि आप बहुत फिल्मी हो, so who is your favorite Bollywood में? बॉलीवुड में मैं पसंद करता हूँ शाहरुख भाई को okay. क्योंकि मैं 6 साल के केआर में भी था और आमिर खान हो गए और फिर अक्षय कुमार हैं फिर सलमान खान है तो बहुत लंबी लिस्ट है जो मूवी के हिसाब से जिसने जितनी अच्छी एक्टिंग की उसका उसकी तरफ हो जाता हूँ तो आप हमारे फैंस के लिए एक शाहरुख खान का डायलॉग हो जाए न जाने कौन सा पहलू तुम्हारी किस्मत बन जाए साइड उसकी थोड़ा ऐसे फील में आ गए यार ऐसे क्या न जाने कौन सा पहले तुम्हारी किस्मत बन जाए साइड उसकी लो जीत जिसमें अपनी हो अरे वाह आई थिंक वेरी गुड फॉर आरसीबी के कॉन्टेक्स्ट में भी वेरी गुड कोट इस टीम की सबसे अच्छी बात ये है कि वी प्ले वी लूज एज अ टीम और वी विन एज अ टीम तो चाहे हम हारे या जीते सभी प्लेयर एक साथ रहते हैं और इन्जॉय करते हैं हर मोमेंट ऐसा नहीं कि वो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके 10 लोग उधर बैठे हैं 5 लोग उधर बैठे हैं नहीं सब लोग एक साथ बैठते हैं इस टीम में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास वर्ल्ड के सभी बेस्ट प्लेयर हैं और स्पेशली मेरे को फील नहीं होना होता है कि मैं एबी के साथ बैठा हूँ विराट के साथ बैठा हूँ गेल के साथ बैठा हूँ तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर है टीम का कि सबको लगता है कि हम लोग काफ़ी टाइम से इन लोगों के साथ खेल रहे हैं और वो लोग ऐसा एज ए प्लेयर ट्रीट करते हैं कि जैसे एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं तो वो चीज़ इस टीम में बहुत अच्छी है एनी स्पेसिफिक मेमोरी कि आपने फ्रेंड्स के साथ बहुत मज़ा किया था कि कुछ यू नो कुछ क्रेजी एडवेंचर समटाइम हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग गोवा जाते हैं और वहाँ पे गोवा में क्या करते हो वहाँ पे कुछ गलत नहीं है लेकिन हम लोग सब लड़के जाते हैं सारे लड़के ही जाते हैं और आपस में मस्ती करते हैं वहाँ पे हम लोग फुटबॉल का बॉल लेके जाते हैं और वहाँ पे बीच फुटबॉल खेलते हैं और फिर कभी कभी हम लोग रात में विला बुक किया रहते हैं तो तंदूर बनाए रहते हैं वहाँ पे जो भी अपना खुद से बनाते हैं हम लोग What is that one thing which you don't enjoy doing at all? हार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चाहे वो किसी लेवल पे मैं खेलूँ चाहे वो रणजी ट्रॉफी खेलूँ चाहे आरसीबी के लिए खेलूँ चाहे जिस टीम के लिए मैं खेलूँ मुझे जीतना पसंद है और मैं नहीं चाहता कि हमारी टीम कभी हारे और स्पेशली मेरी वजह से या फिर मेरे कुछ ऐसे गलत फैसले या फिर उसकी वजह से हाउ डू यू डील विद इट अगर आई मीन ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में हार भी होती है जीत भी होती है तो हाउ डू यू डील विद इट हार गए तो क्या होता है कुछ नहीं है वो पूरा मैच को विजुलाइज करता हूँ मैं कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं और कोई परफेक्ट नहीं है गलतियों से मैं सीखता हूँ एवरी हार आपको एक स्टेप ऊपर ले जाता है ताकि आपको पता चले कि आप आपके माइंड में कुछ चीज़ें चलती रहती है कि हम ये करेंगे तो अच्छा होगा और वो चीज़ अगर मैच में डिलीवर नहीं होता है वो क्यों नहीं हो रहा है तो उसके पीछे वर्क करता हूँ मैं और हमारे और मैं कोशिश करता हूँ कि लेफ्ट आर्म एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर मैं लेफ्ट आर्म स्पिन जो हमारे लेजेंड हैं उनसे बात करूं और आई एम वेरी लकी कि हमारी जिस टीम में मैं हूं उस टीम में डैनियल विटोरी है आपने अपने बचपन की बात की सो व्हेन यू वर यंगर आपको ऑलवेज क्रिकेट खेलना था कि आपका दूसरा कोई सपना था बी फ्रैंक मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं क्रिकेट खेलूं और क्रिकेट की वजह से मेरे को बहुत मार पड़ी रियली किससे घर पे बहुत मार पड़ती थी क्रिकेट को लेके और क्योंकि अब्बू को पसंद नहीं था क्रिकेट बट मैं माशाल्लाह ठीक ठाक खेलता था क्रिकेट तो कभी कभी ऐसा रहता था कि लोग मेरे घर के पीछे आवाज़ देते थे और मैं ऐसा चुपके से घर से निकलता था आप भाग जाते थे घर से निकल के जाता था और फिर क्योंकि मैचेस होते हैं तो वहाँ पे लाउड स्पीकर कमेंट्री होती थी तो अब्बू को पता चलता था कि यहाँ मैच है मतलब मेरा बच्चा उधर ही पहुँचा हुआ है और कभी कभी तो मैचेस में ऐसा हुआ कि मैं अच्छा बैटिंग कर रहा हूँ या बॉलिंग कर रहा हूँ और दूर से देखा कि मेरे अब्बू आ रहे हैं तो बॉल उधर बैट उधर दूसरी गली से मैं घर पे मैच के बीच वाओ आई एम श्योर अभी लेकिन आपकी फैमिली बहुत प्राउड होगी एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत इस्लामिक फैमिली है और
उन्हें डर है कि मैं बिगड़ ना जाऊँ. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना बिगड़ूँ. और माशाल्लाह भी वो लोग सपोर्ट करते हैं. सपोर्ट इन द सेंस कि वही कि आप जिस भी फील्ड में रहो ईमानदारी से रहो और अपना वर्क अच्छे से करो. Guys, thank you for tuning in, and I hope you all had a great time watching this video. Please stay tuned. We're going to meet a lot more of the Team RCB players very soon.